हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 10 बजे से, तो बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। मैंने भी नाश्ता वगैरह कर लिया है। अभी मैंने झाड़ू नहीं मारा और मैंने भी बर्तन भी नहीं धोए हैं, तो अभी मैं झाड़ू मारती हूँ, बर्तन धोती हूँ। अभी मेरे कपड़े धोने भी बाकी है, क्योंकि ना कभी कभी बहुत ज़्यादा काम भी बढ़ जाता है। कल तक इतना काम नहीं था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं, उन्हें भी धोने हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मैं छत पे आ गई हूँ, मैंने कपड़े उपड़े भी धो दिए हैं और मैंने ना गेहूँ भी सुखा लिए हैं। वैसे तो सूखे तो काफ़ी टाइम के थे, लेकिन अच्छी धूप आएगी तो अच्छे से, अगर धूप लगेगी तो पीसने में भी अच्छे से आसानी होगी और गेहूँ कच्चे भी नहीं रहेंगे और एकदम से चिपचिपे भी नहीं रहेंगे। बहुत बार क्या होता है, चक्की वाला बोलता है कि गेहूँ को ना अच्छे से सुखा लिया करो, नहीं तो एकदम से ना चक्की में एकदम से गेहूँ ना चिपक जाते हैं, जिससे बहुत प्रॉब्लम होती है पीसने में। तो ये है, तो मैंने इस समय गेहूँ सुखा रखे हैं। बाहर धूप इतनी अच्छी आई है, पूरा क्लियर मौसम हुआ है, बिल्कुल एकदम से साफ़ हो रखा है, कोई भी बादल नहीं है। लेकिन एक बात है, आज ना हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है और मैं सोच रही थी क्या छत में झाड़ू मार लूँ, लेकिन झाड़ू कैसे मारूँ, एकदम से बहुत तेज़ तेज़ हवाएँ चल रही हैं और साथ साथ में धूप भी है, तो ऊपर ठंडा भी लग रहा है और धूप में भी अच्छा लग रहा है। तो अभी ऐसी 12:30-1 के लगभग जाऊंगी मैं महिमा को लेने के लिए। बच्चे स्कूल में हैं और उनको लेने भी जाना है। और मौसम भी ऐसे अचानक ना, जब शाम के टाइम पे ना कुछ ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, जब 3 बजे ही जब स्तुति की छुट्टी होती है, उस समय इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है बहुत ज़्यादा कि रोड पार करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभार। तो कभी कभार तो ठीक रहता है, लेकिन वो दिल्ली रोड है ना, तो उसमें परमानेंट गाड़ियाँ चलती रहती, इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, इतना ज़्यादा कि मतलब पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मैं ना वहाँ पे आप लोगों को बता भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि ना मैं फ़ोन इसलिए बाहर भी नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि ट्रैफिक में दोनों बच्चों को हाथ पकड़ के लाना होता है, क्योंकि महिमा घर पर रहती नहीं है, तो वो भी साथ चलती है, कहती है कि नहीं मैं भी चलूँगी दीदी को लेने के लिए, तो इस कारण वो मेरे साथ ही जाती है और फिर दोनों बच्चों को लाना बड़ा टफ़ हो जाता है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है कि बस क्या बोलूँ मैं, इसलिए मैं वहाँ का ब्लॉग भी नहीं बता पाती हूँ। तो अभी तो सूख रहे हैं मेरे गेहूँ, तो मेरे गेहूँ भी अच्छे से सूख रहे हैं, अच्छे से धूप लग रही है, क्योंकि ना आज धूप बड़ा अच्छा, आप देख रहे होंगे, देखो कितना अच्छा सा मौसम हो रखा है, एकदम से नीला नीला और ना तेज़ तेज़ हवाएँ भी चल रही है, एकदम से बिल्कुल बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएँ। तो धूप में बैठे हुए ना बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं समय धूप में बैठी हूँ और मेरा लंच भी तैयार है। आज मैंने ना पहाड़ की दाल बनाई है, काले भट्ट और वाइट भट्ट दोनों को मिक्स करके, जो मैं जब मैं अपने यहाँ पौड़ी गई थी ना, तो मैं वहाँ से 3 दाल से ख़रीद के लाई थी, तो काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ मैं उस दाल को। हालांकि हमारे घर में मेरे हस्बैंड को वो दाल पसंद नहीं है, बच्चों को भी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने कहा आज तो दाल मैं बना के रहूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, उसे मैंने फ्रिज में रखा हुआ था और बनाती नहीं थी, तो मैंने साफ़ सूप करके फ्रिज में रखी हुई थी। तो कल जब मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी, तो फिर मैंने उस दाल को देखा और मेरे मुंह पे एकदम से पानी आ गया उस दाल को ही देख के। तो जब वो कच्चे में ही पानी आया होगा, तो जब बनी होगी तो तब क्या हुआ होगा, है ना। और पहाड़ी दाल किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएगा, क्योंकि पहाड़ी दाल तो कुछ और ही बात होती है। रयास वगैरह हो गए, काले भट्ट हो गए हैं, और जैसे गहत हो गए हैं, ऐसे अन्य और भी दालें हैं, बड़ी टेस्टी लगती है। तो आज मैंने वही बनाई हैं और कब खाऊंगी, जब बच्चे आएंगे तभी हम लोग करेंगे लंच। और अभी तो मैं छत में बैठी हुई हूँ, धूप का आनंद ले रही हूँ मैं यहाँ पे बैठ के। अब मैं चलती हूँ नीचे, नीचे मुझे थोड़ा सा काम है, और काम भी क्या है कि मुझे ना तैयार भी होना है और महिमा को लेने भी जाना है, तो मैं आ गई हूँ नीचे। मुझे ना ऊपर पानी की बहुत ज़्यादा प्यास लग गई है, तो मैं अपने लिए करती हूँ पानी गर्म और पीती हूँ। तो मैं महिमा को लेके घर भी आ गई हूँ, और अभी टाइम हो रहा है 1:15 हो रही है, और मैं अभी जाऊँगी 2:45 के लगभग स्तुति को लेने के लिए। और अभी महिमा को मम्मी महिमा खाना दे दो आपको अभी दे दो, तो मैं महिमा को देती हूँ खाना, उसको लगी है भूख शायद, उसने स्कूल में लंच किया है कि नहीं किया, देखूँगी अभी उसके टिफिन में। तो ना मौसम अचानक ख़राब हो गया है और अचानक से बादल भी आ गया। अभी देखो सुबह दिन में कितनी अच्छी धूप थी, और आप देख सकते हो बिल्कुल भी धूप नहीं है, कभी आ रही है कभी जा रही है, और आसमान में ना फिर से बादल छा गए हैं।
आसमान में कितने बादल छा गए हैं, इधर से देखो पूरे इधर बादल छाए हुए हैं, और ना इधर भी ना बादल छा गए हैं पूरे। मैंने सुखाए थे गेहूं, और गेहूं के बनाए जाने का टाइम भी आ गया है, और स्तुति की छुट्टी होने का टाइम भी आ गया है। अब बस कुछ ही मिनट बचे हुए हैं, और मैं फटाफट से बनाती हूँ गेहूं। और गेहूं मैंने आधा बना लिया, आधा और रह गया, क्योंकि धूप आ रही है जा रही है, हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है, बहुत ही ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ, कितनी ठंड भी हो रही है कि मैंने फिर से टोपा लगा लिया। अभी दिन में कुछ टोपा निकल गया था, लेकिन फिर से लगा लिया मैंने टोपा, क्योंकि ना हवा बहुत तेज़ चल रही है और साथ में ना बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है, तो ना इस हवा से काफ़ी ज़्यादा सर दर्द हो रहा था मुझे, और वैसे मुझे बुखार भी था, तो इस कारण भी थोड़ा मैंने टोपा भी लगा लिया। अब महिमा देखो क्या कर रही है, महिमा यहाँ पे गेहूं के साथ खेल रही है। इधर से मेरे गेहूं आधे से ज़्यादा इस कट्टे में जा चुके हैं, और थोड़े से और हैं, तो जल्दी से इसे फटाफट साफ करते हैं और फिर चलते हैं स्तुति को लेने। तो मैं स्तुति को लेके घर भी आ गई हूँ, बच्चों ने खाना वगैरह भी खा लिए हैं दोनों बच्चों ने, मैंने भी, और अब स्तुति चले गए हैं ऊपर छत में, और मैं भी ऊपर से उठाती हूँ कपड़े, क्योंकि हवा ज़्यादा आ रही है, उड़ के नीचे ऊँचे गिर सकते हैं। तो बस आज के ब्लॉग बस इतने ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।